ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं आप ये अद्भुत शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है माता सीता को जब रावण लेके जा रहा था तो उस टाइम पे उनकी जो साड़ी थी वो नीचे टकराते हुए गई थी, तो ये उसी के निशान बने हुए। सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो देखा था, अपन हम्पी आए थे और अपन ने आपको वाले मंदिर के दर्शन करवाए थे जहाँ पे भगवान श्री राम जी हनुमान जी से फर्स्ट टाइम पे उनकी मुलाकात हुई थी। तो अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ, सुग्रीव की गुफा है ये सामने, आपको दिखाता हूँ मैं ये सुग्रीव की गुफा है, अभी आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ चलते हैं। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये यहाँ जो पहाड़ है उन पे भी आप देख सकते हैं ऐसे पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऐसा कहते हैं सुग्रीव और उनका भाई था जो बलि, वो दोनों का युद्ध होते थे, महीनों महीनों युद्ध चलते थे, सालों सालों उनके युद्ध चलते थे, तो वो एक दूसरे को पत्थर उठा उठा के मारते थे। तो इसलिए आप जो देख रहे हैं ना, ये पत्थर उन किसी ने जमाए नहीं, एज इट इज रामायण काल से ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग उस तरफ से आए थे, वो मंदिर था, वहाँ से घूमते हुए अपन इधर की तरफ आए। और ये देख सकते हैं ये विष्णु दशरावतार संरचना है। ये देखिए नरसिंह को हिरण्यकश्यप से लड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे दिखेगी अपने को, यहाँ पे संरचना है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमें काफी संभल के चलना पड़ेगा, अपने शूज लेदर के शूज है, स्किट हुए तो गए भैया यहाँ से। आपको मैं सुग्रीव और बाली के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे। ऋषिमुख पर्वत के पास एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम ऋचराज था। उसने सभी लोगों को काफ़ी परेशान करके रखा था। एक दिन वह ऋषिमुख पर्वत के पास एक पानी के सरोवर में नहाने चला गया। जब वह नहा के निकला तो वह देखता है कि वह एक खूबसूरत स्त्री बन चुका था, तो वह परेशान था। वह ऋषिमुख पर्वत के पर बैठ गया था, तभी आसमान से जा रहे इंद्र भगवान की नज़र उसके बालों पर पड़ी। तब उनके तेज से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम राजा बलि था। और ऋचराज पूरी रात वहाँ बैठा हुआ था, परेशान था। जब सुबह हुई, सूर्य की पहली नज़र उस पर पड़ी तो उनके तेज से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव था।
दोनों की ही माता का नाम ऋचराज था, किंतु बाली के पिता का नाम इंद्र और सुग्रीव के पिता का नाम सूर्यदेव था और इनका पालन पोषण महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने किया था। बाली को देवताओं ने वरदान दिया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उससे युद्ध करने जो भी आएगा तो उसकी आदि शक्ति उसमें समा जाएगी, इस कारण से वो किसी से हार नहीं सकता था और शायद इसीलिए भगवान श्री राम ने उसे छुपकर मारा था, तभी जाके उसकी मृत्यु हुई थी। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण तक को परास्त कर दिया था। एक बार दुदंभी नाम का असुर बली को युद्ध के लिए ललकारने लगा, दोनों के बीच में मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। बली ने दुदंभी का वध कर दिया और क्रोध में आके उसका शव उठाकर आकाश मार्ग में कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुदंभी के शरीर के रक्त कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। रक्त की बूंदे देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। मातंग ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया था कि यह कार्य किसने और क्यों किया। बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया था, इसके लिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बल के मद में किसी के शव का अपमान और तपस्वी के आश्रम को अपवित्र करने पर वह पाप था। बली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बली को श्राप दे दिया कि वह उसके आश्रम की योजना की दूरी के अंदर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोनों भाइयों के बीच में इतनी शत्रुता कैसे हुई? दोनों भाइयों ने एक साथ रहा करते थे। जब एक दिन एक मायावी राक्षस ने किष्किंधा में आया और बली को युद्ध के लिए ललकारा, उसकी ललकार सुन के बली उसके पीछे भागा और अपने भाई को भागता देख के सुग्रीव भी उसके पीछे पीछे चले गया। जब देखा कि वह मायावी राक्षस एक गुफा के अंदर घुस गया तो बाली भी उसके अंदर जाने लगा। गुफा में घुसने से पहले उसने सुग्रीव से कहा, उसको आदेश दिया कि जब तक मायावी का वध करके लौटेगा नहीं तब तक वह सुग्रीव उस गुफा के बाहर खड़ा होकर पहरा देगा। एक वर्ष तक उन दोनों का युद्ध चला। जो गुफा के बाहर था वहाँ पे एक रक्त बहने लगा, यानी रक्त की बड़ी सी धारा बहने लग गई। सुग्रीव ने असुर की चीख तो सुनी परंतु उसने बाली की चीख नहीं सुनी, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वह यह समझा कि कहीं असुर ने बाली का वध तो नहीं कर दिया। देख सकते हैं ये पानी का, आई थिंक बरसात के टाइम पे यहाँ पानी भर जाता होगा पूरा। जय श्री राम। आप देख सकते हैं नीचे पूरा कुआं टाइप में बना हुआ है। ओम। ये वही तो जो आप देख रहे हैं, ये वही शिवलिंग है जो प्रभु श्री राम ने बनाए थे। माता सीता का रावण ने जब अपहरण कर लिया था उस दौरान वो यहाँ आए थे, हनुमान जी से फर्स्ट टाइम मिले थे और इसी नदी किनारे बैठ के अपने आराध्य भगवान शिव शंकर जी को पूजा करते थे, तो उन्होंने ही ये शिवलिंग का निर्माण किया है। देख सकते हैं आप, अद्भुत। अब हमें इधर से इधर चलना पड़ेगा। जय श्री राम। काफी ऊपर आ गए हम। देख सकते हैं ऊपर से क्या शानदार नजारा दिख रहा है। और अब वो सामने देख सकते हैं ना, अपन उधर से आए ऐसा गोल घूमते 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 ये था चढ़ते हुए इधर आए। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकृतियाँ दिख रही है, वो बने हुए दो इधर दो दो छेद दिख रहे हैं कि ये एक ये।
तो सुग्रीव ने अपने भाई को मरा हुआ समझ के उस गुफा के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जिससे कि वह राक्षस बाहर ना आ सके, और उसके बाद वह चले गया वहाँ से। तो उसने ये खबर सबको बताई कि उसका भाई बलि मारा गया। उसके बाद उसका राज्याभिषेक हुआ और उसे वहाँ का किष्किंधा का राजा बना दिया गया। किंतु कुछ वर्ष बाद जब बलि अचानक से प्रकट हुआ, उसने देखा कि उसका छोटा भाई ने उसका पूरा राज्य को हड़प लिया। उसे यही लगा कि उसके भाई ने राज हड़पने के लिए उसको उस गुफा के अंदर बंद कर दिया, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और तब से ही उन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध छिड़ गया। सुग्रीव छोटा था, काफ़ी डरता था वो उससे, तो वो वहाँ से भाग गया और बाली उसको जगह जगह ढूंढ रहा था मारने के लिए। और सुग्रीव को भी इस बात का पता था कि बाली को शराप मिला है और वो मारतंग पर्वत के आसपास नहीं आ सकता, इसलिए उसने इस पर्वत पर रहना अपने आप को सुरक्षित माना, इसलिए उसने इस जगह पर आके अपने रहने की व्यवस्था करी। ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं आप ये अद्भुत शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। सो गाइस, देख सकते हैं ये सारे अद्भुत शिवलिंग है जो रामायण काल के हैं। इनका निर्माण भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया था और यहीं तपस्या करते थे, और ये वही जगह है जहाँ पे रावण की लंका देने के लिए पूरी प्लानिंग कहते हैं, जो पूरी प्लानिंग इसी जगह पे बनाई गई थी। मैं भी आपको लेके चलता हूँ। ये मीटिंग करते थे भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ मिलके, जो मीटिंग करते थे अपनी वानर सेना के साथ मीटिंग करते थे, वो वाली आपको मैं गुफा दिखाने वाला हूँ अभी। तो चलता हूँ लेके, रास्ता काफ़ी स्लिपरी है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो ये छोटी छोटी पायरियाँ बनाई गई है। जय श्री राम। यहाँ आते हैं तो काफी संभल के आना। देखिए, ये एक शिवलिंग और। मैं आपको ये पूरे चट्टानों का पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो काफी लंबा हो सकता है। बाकी ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको देखने को YouTube पे शायद ही मिले। आप देख सकते हैं ये भगवान द्वारा निर्मित शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर देखिए कितने अच्छी तरीके से बनाया गया, और उसमें पानी निकलने के लिए रास्ता भी बनाया गया पूरा प्रॉपर। अभी अपने को उधर चलना है, यहाँ से सीधे उस तरफ चलना है। जैसे निकलते हैं,
और ये देखिए हमारे यहाँ के चिरकुट लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपने नाम के छोड़ ही देते, इतनी अच्छी अच्छी जगहों को क्यों खराब करना, इन्हें प्राकृतिक तरह से ही रहने देना चाहिए, फिर भी हमारे चिरकुट लोग अपना नाम डालते। ये देख सकते हैं इधर भी कोई सा मंदिर है, चलते अंदर। देख सकते गुफा के अंदर मंदिर है, यहाँ पे भी कोई सी मूर्ति हुआ कही है होती होगी। तो ये देख सकते हैं चट्टान पे कितनी प्यारी पायरिया सीढ़िया बोलते हैं इनको घेरी गई है। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे शिवलिंग हमें देखने को मिलते हैं, देखते। अरे आप कहाँ मालदीव और लक्षद्वीप के चक्कर में पड़े हो, यहाँ पर आओ कर्नाटक के हम्पी में, यहाँ वो सुकून मिलेगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ आप साक्षात प्रभु श्री राम हनुमान जी को आप यहाँ पे महसूस कर सकोगे। यहाँ के कण कण में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, हनुमान जी बसे हुए, देख सकते हैं पूरे समुद्र, ये पहाड़ों पे उन्होंने कितनी अच्छी शिवलिंग बनाई है। परंतु ये जो हमारे मुस्लिम शासक थे उनसे ये चीज़ें हमारी ऐतिहासिक धरोहर देखी नहीं गई है, जब उन लोगों का आगमन हुआ था उन्होंने काफी तोड़फोड़ करी है यहाँ पे। ये देखिए आगे भी शिवलिंग बना हुआ, ये मूर्तियाँ देख रहे हैं आप सब, चलो लेके चलता हूँ। ओम नमः शिवाय।
आई थिंक वहाँ पे भी कुछ है, मंदिर वंदिर होगा शायद, बोर्ड वाले लेके जा रहे हैं। बाकी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं सुग्रीव की गुफा। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, बट मेरा वीडियो लंबा करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, जो यहाँ की सुंदरता है और यहाँ पे जो कणकण में भगवान श्री राम ने हमारे शिव भगवान के जो शिवलिंगों का निर्माण किया है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को वो दिखाना था। और अब मैं जहाँ हमें जाना है गुफा, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा और इधर और देख लो आप, गाइस वो सामने देख सकते हैं, वो है सुग्रीव की गुफा। चलते हैं वहाँ पे, आज संडे है तो, और देख सकते हैं ये स्कूल के बच्चों को यहाँ पे पिकनिक पे लेकर आए होंगे। रात के टाइम पे यहाँ पे भी पूरा पानी आ जाता होगा। मान्यताओं के अनुसार हम्पी को रामायण में वर्णित किष्किंधा राज्य माना जाता है, जिसके शासक वनराज सुग्रीव थे। हम्पी की पहाड़ियों पर क्रम रहित यदावीक्षित लगे शिलालेख से संपूर्ण गुफाएं बनाई गई है। इस तरह की एक प्राकृतिक गुफा सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। यह तुंगभद्रा नदी के दाहिने तट पर एक ढलान पर स्थित है और इसके अंदर पैरों के निशान और एक छोटा मंच है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सुग्रीव ने राम को सीता के आभूषण दिखाए थे। माना जाता है कि रावण द्वारा सीता को बालत अपने साथ ले जाते हुए सीता ने रावण के पुष्पक विमान से अपने आभूषणों को नीचे फेंक दिया था। गुफा के प्रवेश द्वार से लेकर अंत तक जाती है दो समांतर सटीक धारियां सीता के वस्त्र के किनारे के रूपरेखा मानी जाती है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये जो निशान है, तो यही माता सीता के वस्त्रों के निशान हैं, आप देख सकते हैं क्लियर बने हुए हैं। और ये सामने एक और छोटी सी गुफा टाइप में है, देख सकते हैं ये भी अंदर से। और ये है मेन सुग्रीव की गुफा। अभी धीरे धीरे ये धंसते जा रही है ऐसे, उस टाइम पे तो काफ़ी ऊंचाई पे होगी। और ये देखो साड़ी के निशान अंदर तक होते हुए जा रहे हैं ये। और यहाँ पे तो फिलहाल अभी ताला लगा हुआ है, ताला ही लगे हुए रहता है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं पैरों के निशान बने हुए हैं, ये कहते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पैरों के निशान है। यहीं पे बैठकर ये मीटिंग किया करते थे और यहीं पे बैठ के इन्होंने लंका दहन की रणनीति यहीं पे बनाई गई थी पूरी। ये तो है किसके नाम।
सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी सुग्रीव गुफा थी और ये साड़ी के निशान है पूरे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।